बिल्कुल, क्या शुभ नाम डॉक्टर साहब? क्या शुभ नाम? डॉक्टर अंकित खुराना। डॉक्टर अंकित खुराना। तो डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना के, अभी मेरी अंकुर जी से भी बात हुई थी, अंकुर बत्रा जी से, बता रहे थे अभी 100 के 100 जो बेड हैं जो पैनल में ले रखे हैं सरकार ने, और पूरे के पूरे पेशेंट हैं फिलहाल। बिल्कुल सर। तो उनकी ओवरऑल अगर मैं हालात की बात करूं तो कितना क्या नॉर्मल है, कितना खतरे में है, कैसे क्या है? सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मोहर भाई, देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल तो हमारे गिल लाइव जुड़ गए हो, और फिलहाल भाई रोहतक में मौजूद हाँ, रोहतक का ओली हार्ट हॉस्पिटल। तो भाई देसी पड़ताल करण खतर पहुँचे हाँ, क्योंकि कई प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हमारे दौरे रात में फ़ोन आए, तो ऑक्सीजन की कमी की जो बात है वह सुनने में आई थी। और भाई ये हमारे सिलेंडर हैं जिनके ऊपर सारी मारामारी चल रही है, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं, जिसके कारण यूँ कहें भाई अगर ये टाइम पर मिल जाए तो भाई किसी भी कीमती जान को बचाया जा सका है। तो ओली हार्ट हॉस्पिटल जो कि रोहतक का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, तो इसमें पूछेंगे भाई मामला क्या है, जो पेशेंट हैं उनके व्यूज़ भी लेवेंगे भाई, आड़े किस तरह की दिक्कत आ रही है, क्यों करके मामला जो हमने मार्दर जो छन छन का जानकारी आई है जो मार गया है, और जो आड़े के जो डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल के अंकुर बत्रा उन तभी पूछेंगे, और जो आड़े के जो बड़े डॉक्टर हैं आदित्य बत्रा उन पर पूछेंगे क्यों करके मामला है। तो ये रोहतक का ओली हार्ट हॉस्पिटल, तो वीडियो ना शेयर करते रहो क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट का। हाँ जी, राम राम जी अंकुर जी, राम राम। और जी हमारे दर्शक ने भी राम राम कर, राम राम जी, राम राम सारे ने, राम राम जी। और जी क्या हाल चाल है जी? मैं बड़ी, आप सुनाओ। बस बल्ले बल्ले जी। हाँ जी। तो ऑक्सीजन जो है ना आज का ट्रेंडिंग वाला मुद्दा बन गया जी। हाँ, हाँ, और आपके हॉस्पिटल में भी हमने सूत्रों वाले से जानकारी मिली थी कि काफी क्राइसिस है ऑक्सीजन का, टुकर के मामला चल रहे। फिलहाल ताजा हालात की है? ताज़ा लाती हैं जी, हमारे पास लगभग 100 के करीब अभी मरीज भर्ती हैं, और आजकल कोविड के अंदर 100 मरीज जिनको है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत भयंकर मात्रा में है। तो आपका जो हॉस्पिटल है वो पैनल में है? पैनल में है जी, हमारे दो हॉस्पिटल हैं यहाँ पर, दोनों पैनल पे हैं। कितने बेड की सुविधा है आपके पास? बेड दोनों के मिला के 100 के करीब की सुविधा है। अच्छा जी। हाँ जी, 100 बेड हैं और 100 के 100 फुल हैं? 100 के 100 फुल हैं जी, और इमरजेंसी में भी जो पेशेंट आ रहे हैं वो भी कम ऑक्सीजन पे आते हैं, आते उनको भी एक मानवता के नाते हमारे को देखना पड़ता है, उस टाइम उनको ऑक्सीजन भी लगानी पड़ती है। तो परेशानी है, प्रशासन भी हमारा सहयोग तो पूरा कर रहा है, लेकिन एक किस्म का स्ट्रॉन्ग रूम है आड़े बैठ का, डॉक्टर आड़े बैठ का जो अंकुर जी हैं वो पूरी निगरानी रखे हैं कित की हलचल हो रही है। हाँ जी है? हाँ जी, बस रखनी तो पड़ा है जी। तो आदित्य बत्रा जी जो आड़े के बड़े डॉक्टर हैं वो कितने हैं? वो अंदर कि मैं या तो मरीजा में पाऊंगे जी, जो मैं देख रहा हूँ कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑपरेशन थिएटर में नजर आ रहे हैं मेरे को अभी तो जी। अच्छा जी, चलो इतना करो ना, बुला लो हम इतने जो पेशेंट है नी उनका हालचाल पूछ लिया भाई, किसी तरह की क्यों करके परेशानी के चल रही है, सही है गलत है, क्यों कर चल रहा है मामला, जब तक आप डॉक्टर आदित्य जी को बुला लो। तो भाई जब तक थोड़ी देर में जो आदित्य बत्रा जो कि आर्ट स्पेशलिस्ट हैं उन तक आप मिलेंगे, आर्ट भी कोई प्रोसेस चल रही है। तो ये PPT किट, राम राम जी। तो ये तैयारी चल रही है भाई, ये जो है ना अलग अलग अंदाज में, और ये हॉस्पिटल में फिलहाल हम मौजूद हैं। तो जो पेशेंट हैं और पेशेंट के साथ में जो आ रहे हैं, हाँ जी, राम राम जी, हमारे दर्शक ने भी राम राम करके, राम राम जी। तो आप पेशेंट ने लेकर आए जी? मैं ही पेशेंट हूँ। खुद ही हुआ पेशेंट? हाँ। कब आए हो आप? मैं 15 तारीख ने मेरा छल्ले डाले थे, दोबारा दिखाने आ रहा। अच्छा, ठीक ठाक है मामला? बस कुछ ना, ठीक ठाक साथ है। ये दिक्कत आई जी, पेटा भरा कि नहीं? नहीं, पेटा कैसे भरेगा, जब दोबारा चेक कराएंगे उसके बाद पता चलेगा ना। ठीक है, राम राम जी, हमारे दर्शक ने भी राम राम जी। नमस्कार। तो आपका कोई रिलेटिव है? हाँ, मेरा लड़का है जी। ये दिक्कत हुई जी? यहाँ नहीं है उसके, मतलब 83% ऑक्सीजन आ रही है। अच्छा। तो वहाँ पर मैं किला जफरगढ़ का रहने वाला हूँ, जुराने भी ले गए, लाखन माजरा ले गए। कब लेके आए थे पड़े? अरे कल, आज लेके आए थे केदारनाथ हॉस्पिटल में। तो उन्हें देख कर 500 रुपये तो ले लिए, बोला जी यहाँ हमारे पास इसका ऑक्सीजन है नहीं, खत्म हो रही है। ये तो कौन से हॉस्पिटल में खत्म हो रही? केदार हॉस्पिटल में, केदारनाथ। यू आ गया एक मामला लेकर के, केदारनाथ, यानी कि केदारनाथ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। ये बारे की अगर बात करें तो आड़े के मामले पर? आड़े मैं मतलब मैं बच्चा ले लिया, मैं तो आ लिया। अच्छा। और बच्चा गाड़ी मान लाग रहा है, आड़े मान लाग रहा, तो यहाँ दाखिल करवा लिया। अच्छा, आड़े ऑक्सीजन मिल गया अपना? ना, आड़े पता लगेगा जब दाखिल करवाओगे तब पता लगेगा। पता लगेगा, अभी आया हूँ मैं, लड़का आने लग रहा है, आ रहा है। जो बड़े डॉक्टर हैं तो पूछेंगे ऑक्सीजन की क्यों करके आड़े किल्लत तो नहीं,
और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप बच्चा ने मेरे अंदर दाखिल करवा दो। देखो संभाल रहे हैं, कोई बात नहीं। आप भी पेशेंट को लेकर आ रहे हो, क्या कोई कोरोना से संबंधित है या अन्य है? नहीं नहीं, ठीक ठाक है सिचुएशन। तो आ जाओ भाई, मर के ले। अच्छा, कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके ऊपर पूछा गया है कि हैं कौन से उसमें हैं। हाँ जी भाई जी, राम राम। जो कोरोना के जो पेशेंट हैं वो ज़्यादातर कौन से उसमें रख रहे हो? फर्स्ट फ्लोर पे। रास्ता ठीक है, आ जाओ। तो राम तो भाई जुड़े रहो, मार के वीडियो ना शेयर करते रहो। पूछांगे भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने पेशेंट परेशान तो नहीं हो रहे? आ जाओ, फर्स्ट बताओ। नहीं तो आप भी पेशेंट को लेकर आए अभी? हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा उदित अग्रवाल। उदित अग्रवाल, कोरोना के पेशेंट हैं? कोरोना के। अच्छा, थोड़ा आ जाओ। तो फिलहाल के पोजिशन है जी पेशेंट की? ठीक है, स्टेबल है। ठीक है, कब लेकर आए थे? चार दिन हो गए। तो किसी तरह की कोई ऑक्सीजन वगैरह की या उसकी किल्लत तो नहीं हुई? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक चल रहा है। तो और भी हैं भाई जो पेशेंट हैं उनके परिजन हैं उनके साथ में? हाँ जी, आप पेशेंट लेकर आए हो या हॉस्पिटल के स्टाफ से? मेरे फादर हैं। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? 10 डेज से हैं उसी में ही, हॉस्पिटल में है। हाँ जी, 10 दिन से उसी हॉस्पिटल में है। अच्छा, 10 दिन से क्या दिक्कत हो रही है उनको? उसमें इन्फेक्शन हो रखा है कोरोना की वजह से है। तो अभी है हालात में सुधार है कुछ? अभी नहीं स्टार्ट, ऑक्सीजन की दिक्कत है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिली आपको? दिक्कत है, दिक्कत शॉर्टेज रहती है हॉस्पिटल में। शॉर्टेज रहती है, तो क्या कहते हैं डॉक्टर? कहते वेट करो, होप बना के रखो। तो इसे ना कहा करें भाई, वो एक डायलॉग है नहीं, बोले द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। लेकिन अरे भाई ऑक्सीजन का मामला है, टाइम पर मिल जाए तो जान बच सका है। मेन कोई दवाई असर नहीं करी, मेन ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन ही है पर भाई शरीर में जो प्रार्थना करता हूँ कि ऑक्सीजन टाइम पे पहुँचाए होली हार्ट हॉस्पिटल रोहतक में। बिल्कुल आम भी नहीं होगा भाई, सरकार तय प्रशासन तय है, ताकि ये ऑक्सीजन की जो किल्लत है। हाँ जी, कहते हैं भाई सबको मास्क डाल के घूमना चाहिए, ये बीमारी और ना फैले जिससे सबकी जान बच सके, और जल्दी से जल्दी सारे जो भी पेशेंट हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। और जो पेशेंट ऐसे बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं बिना काम से, उनको ऐसे घूमना नहीं चाहिए। अगर जिसको जिसके घर में ये बीमारी होगी उसको पता चलेगा तो ऐसे घूमें ना बाहर, जितना हो सके अपने घर में ही रहें और मास्क डाल के ही बाहर निकलें और काम से निकलें, बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। सबसे पूरी बात एक के सांस में कह दी और बहुत काम की बात है। तो हमने ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर भी देसी रेड मारी थी, जिसमें खुलासा होया था अगर सरकार प्रशासन चाहे तो उसको एक्टिवेट कर दे। 1000 सिलेंडर की क्षमता वाला प्लांट था यू, जो हमने तरती दिखाया था। तो फिलहाल तो हम और भी देखने लग रहे हो, आप भी पेशेंट का ला रहे हो जी? हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार बत्रा। अच्छा जी, क्यों कर के पोजिशन है पेशेंट की? ठीक है जी, ठीक है जी, दवाई चल रही है। दवाई चल रही है, कोरोना से संक्रमित है क्या? हाँ जी, कोरोना का ही है जी। अच्छा, आराम अभी? हाँ जी, आराम है कुछ। अच्छा, कोरोना वाले पेशेंट कहाँ जी? आपका सर नाम? हाँ, डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन के लिए। और हमारे जहाँ एडमिट हैं वो 15-20 दिन से एडमिट है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, उनकी तबीयत खराब होती जा रही है और उनके पास कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो हम क्या करें, हम तो मारे मारे फिर रहे हैं जी। ठीक है जी, जब गए थे वो बहुत अच्छी कंडीशन थी और लेकिन अब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो मैं डॉक्टर, हाँ ICU में डॉक्टर अग्रवाल का किसी ने रेफरेंस दिया, तो मैं उनसे वहाँ से हिसार से हम आए हैं जी उनका। और एक और सर, आज शायद डॉक्टर ये अपने अनिल विज साहब ने एक शायद वो मेमोरेंडम जारी किया, अभी जो भी कोविड हॉस्पिटल है वही सिर्फ कोविड पेशेंट को लेंगे, बाकी हॉस्पिटल में तब क्या है वो सिर्फ जिनको दे दिया है, अब बाकी पेशेंट है उसको तो कहीं जगह ही नहीं मिल रही, माने कोविड हॉस्पिटल भर गए हैं तो कहाँ जाए। इसलिए अब और हॉस्पिटल है उनको भी छूट देनी चाहिए, अभी जो भी प्राइवेट कोई कर सकता है इलाज तो करे। यानी तो कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी अगर कोविड पेशेंट का इलाज कर सकता है उसको इजाज़त दे दी, घर से तो ठीक है जी वो, उसको कहाँ जाएगा बेचारा, सड़क पे मरेंगे क्या फ़ायदा जी। लेकिन समस्या गंभीर होती जाने लग रही है। तो मतलब जो आपका जो पेशेंट है उसने भी कोई ऑक्सीजन की कमी महसूस की? कोई ऑक्सीजन की कोई कमी महसूस नहीं हुई सर, लेकिन हमारे को वहाँ लगता है कि जो डॉक्टरी जो सलाह है जी वो प्रॉपर नहीं हो पाई उनकी। तो ज़्यादातर ऐसे ही हैं सर कोविड पेशेंट्स के, क्या जो डॉक्टर हैं उनके साथ वो प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं है, वो अपने हिसाब से इलाज करते हैं और जो पेशेंट ज़्यादा मर रहे हैं उसका कारण ही डॉक्टर हैं। कारण ही डॉक्टर, डॉक्टर की मतलब उनको नॉलेज नहीं है, वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं और विजिटिंग फैकल्टी है ज़्यादातर हॉस्पिटलों के पास। आदित्य बत्रा जी, हम तो ये सवाल भी लेवांगे अगर भी इस बात में कितना एकदम है। तो कोरोना के जो पेशेंट है ज़्यादातर कौन से वार्ड में रख रखे हैं?
अलग अलग वो बना रखे हैं आईसीयू वन में रखे हैं। अच्छा जी। कल है मेरा छोटा भाई है पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, उसका सुसर एडमिट है वो? ना ना वो नहीं है, उसका सुसर को लेकर आए थे जो सीनियर सिटीजन है, तो उनका कोरोना टेस्ट किया पॉजिटिव मिल गया और ट्रीटमेंट रख दिया घर से ले गए। रात को उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, तकलीफ होगी तो इधर तो रोहतक में कहीं जगह नहीं मिला। अब उसके घर वाले पता नहीं, इसको जीन बोला सवेरे ले जाने के लिए कोई मिलाप नहीं है। अगर उसको दोबारा ले कर रहे हो? ना इधर नहीं लेकर रहे, इधर तो मेरा लड़का एडमिट था अभी, वो तो भगवान की दया से ठीक हो गया। उनका जो सीनियर सिटीजन है, मास्टर हैं जिसने सेवा की है, तो उनको कहीं जगह नहीं मिली थी। उनको जगह नहीं मिल रही, एडमिट की जगह नहीं मिल रही, एडमिट की तो यहाँ नहीं लेकर आया उनको, तो लेकर आए थे, लेकर आए थे तो कह रहे। अच्छा, तो बड़ी दुखद घटना है भाई, इस तरह के केस भी हैं आगे, मतलब जो है ना इनके पास भी शब्द कोश ख़त्म हो गया, यानी कि कोरोना जो संक्रमण है उससे बचाव ही एकमात्र तरीका है। तो हम इस टाइम देखने लग रहे हो ओली आर्ट हॉस्पिटल, जिसमें कि जो है कोविड के ज़्यादातर पेशेंट इधर रखे हैं। अच्छा, ये सारा कोविड का ही है सर? तो कैमरा मैन कहूँगा एक बार दिखा दे, ये सारा जो वार्ड है इसमें जो है वो कोविड के उसकी वजह से भी पेशेंट्स की हालत ज़्यादा खराब। मेरे फादर को कोविड नहीं है लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवाई, इस वजह से एडमिट है। तो जो वैक्सीन संदीप हुडा है। चलो, ये आदित्य बत्रा जी से ये सवाल भी लेवांगे, अभी जो वैक्सीन है कोविड से बचने के लिए उसका साइड इफेक्ट है क्यों करके मामला है? उसके ड्रॉबैक्स है, वो गवर्नमेंट बताए तो सही ना कि हम ना लगवाएं उसको, इसी वजह से उसको एडमिट कराना पड़ा है कि मैं 15 दिन पहले वैक्सीन लगवाई। अगर आपने प्रॉपर ट्रायल नहीं हो रखा किसी मेडिसिन का तो आप उसको क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हो? तो ये हालात है भाई। एक बार थोड़ा कैमरा मैन को दिखा दे कुरान किस ढंग से, कैसे थोड़ा सा एक दो सीन दूर, बिल्कुल। क्या शुभ नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर अंकित खुराना। तो डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना के अभी मेरी अंकुर जी से भी बात हुई थी, अंकुर बत्रा जी से बता रहे थे, अभी 100 के 100 जो बेड हैं जो पैनल में ले रखे हैं सरकार ने, और पूरे के पूरे पेशेंट हैं फिलहाल, बिल्कुल सर। तो उनकी ओवरऑल अगर मैं हालात की बात करूं तो कितना क्या नॉर्मल है, कितना खतरे में है, कैसे क्या है? जितने भी हमारे पास पेशेंट एडमिट है उसमें से 15 से 20 मान लीजिए कि अभी तो रिस्क है, काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। उसमें 2-3 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, काफ़ी हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं, जो छोटा वेंटिलेटर होता है NIV जिसको बोलते हैं उस पर भी है पेशेंट। ठीक है, तो उनको मतलब वार्ड अलग अलग वो बना रखे हैं या एक ही वार्ड में पेशेंट? अलग अलग टाइप के हैं, जो ज़्यादा सिक पेशेंट है उनको ICU में रखा गया है, जो उनसे कम है उसके लिए HDU यूनिट है, और डिफरेंट ICUs है, 3 ICU हैं हमारे पास कोविड के लिए। तो अभी थोड़ा दूर से एक विजुअल हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, थोड़ा कोई किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है कोरोना पेशेंट वो तो पॉसिबल। हाँ भाई, मारा भी कोरोना चिपट गए हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये बाजो डॉक्टर आदित्य बत्रा जी, मशीन कह रहे हैं ऑक्सीजन की, वो मशीन नहीं मिल रही कहीं पे भी, ऑक्सीजन की मशीन। मशीन? हाँ जी, वेंटिलेटर या मशीन? पूरी मशीन उसके ऑक्सीजन की। हाँ, एक कनेक्टर भी होता है ना, वो छोटा सिलेंडर बीच में होता है, बगैर सिलेंडर की ऑक्सीजन की मशीन ही चाहिए। काफी दिन हो गए मिल नहीं रहे कहीं, यहाँ भी नहीं आपके इशू? यहाँ तो है, फिर घर ले जाना ना 15-20 दिन के लिए। हम लोग परचेज करके घर पे यूज करने के लिए? हाँ जी, नहीं हो रही, बिल्कुल। ये बड़ा सवाल आज है। तो ये पेशेंट के लिए लेकर जा रहे हो? नहीं सर, ये तो स्टाफ का, स्टाफ के लिए है। हाँ सर, खाने पीने की स्टाफ को आने सुविधा है? हाँ सर। तो स्टाफ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके, इसके लिए खाने की सुविधा हॉस्पिटल में है? हाँ सर। ठीक ठीक ठीक। तो वो कहा ना भाई, जीना है यार, मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ। तो राम राम कर दे जी, मर्जी। आप कहाँ से आए जी? यहीं रोहतक से हैं। पेशेंट को लेके आए? हाँ जी। क्या कोरोना की संभावना है? नहीं है, पॉजिटिव है। अच्छा, आज ही लेके आए हो? हाँ जी। डिक्लेयर हो गया, जांच वगैरह होगी? हाँ, डिक्लेयर तो हो रखा पहले। अच्छा अच्छा, तो अभी एडमिट करोगे? नहीं, अभी सिर्फ नॉर्मल दिखाना था, नॉर्मल चेक करूँगा। जो है पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल, कैमरा मैन दिखाओ, थोड़ा नज़दीक तो दिखा दे एक बार, ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं, थोड़ा नज़दीक थे। ऑक्सीजन लेवल तो ठीक है इनका, नहीं कोरोना तो को नहीं, क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा अच्छा, तो भाई फिलहाल जो है डॉक्टर आदित्य बत्रा जी से पूछेंगे, 100 बेड का ये हॉस्पिटल जो कि पैनल में है सरकार का, यानी कि कोविड पेशेंट के लिए। हाँ जी, साहब की मदर यहाँ सीरियस हो गए। अंकुर जी? हाँ जी।
तो आदित्य जी तो भागम भाग में चल रहे हैं तो आप भी जो कद कि देखो कद कि देखो हाँ जी आज साइड से आज तो कि कई सवाल खड़े हो गए हॉस्पिटल में जिस तरह एक तो यह दवाई हाँ जी इस दवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं यह दवाई नहीं मार किसे गए दवाई है ही नहीं जी कहीं नहीं मिल रही हम तो अब मजबूर हैं जी क्योंकि हमारे पास ये दवाई होती नहीं सरकार के हाथ में है या पेशेंट के पास है या वो कहाँ से ला रहा है हम तो उनको लिख के दे देते हैं जी आप ये दवाई ले आओ हम आपके पेशेंट को लगा दें दूसरी बात यह है कि वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं हाँ जी कुछ एक पेशेंट हमने मिला जो उन्होंने कभी वैक्सीन लगाने के बाद मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई जी पर ऐसा देखो भ्रम में फैलना नहीं चाहिए वैक्सीन लोगों को लगवानी तो जरूर चाहिए लेकिन ऐसा है ना जी किसी आदमी को मान लो को पहले ही कोई सिम्टम आ रहे थे को बुखार था और उसको वैक्सीन लगी उसके बाद बुखार हो सकता हो पहले पॉजिटिव हो या वैक्सीन लगते ही किसी और के संपर्क में आया हो तब पॉजिटिव हो गया हो तो मतलब ऐसी परिस्थिति में अगर वैक्सीन लग गया है तो शरीर के ऊपर क्या साइड इफेक्ट है क्यों करके जान भी जा सकता है इस तरह नहीं नहीं ऐसा नहीं है मतलब जिसको कोविड हुआ हुआ है उस टाइम तो वैक्सीन को रिकमेंड नहीं करते जिसको अभी लेकिन कोविड नहीं हुआ वो स्वस्थ है तो उसको अपनी वैक्सीन की अपनी डोज पूरी करा लेनी चाहिए अच्छा ऑक्सीजन की कमी वाले पेशेंट भी हमने कुछ तक रहे हैं रात में एक इस हार से कोई पेशेंट आ रहा था भाई ऑक्सीजन की किल्लत महसूस करी रात में ऑक्सीजन की कमी थी ऐसा ना जी किल्लत तो हमारे को रोज हो रही है हम रोज भागा दौड़ी कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए तो प्रशासन से भी सहयोग मांगते हैं रात सवेर प्रशासन को भी उठाते हैं डीसी साहब से भी हमने कॉल किया डीसी साहब ने फोन का जवाब भी दिया हमारी मदद भी कराई लेकिन इतना ज़्यादा डिमांड आ गई ऑक्सीजन की पेशेंट सिक हो रहे हैं आज जो 2 लीटर पे ऑक्सीजन पे आता है वो अगले दिन 6 लीटर उसको डिमांड होती है हमारी हॉस्पिटल की तो लागत ऑक्सीजन की बढ़ गई ना जी अब पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उसको ऑक्सीजन देना जरूरी है सिस्टम सबसे मेन एक पेशेंट को जब छुट्टी दे दी जाओ तो घर भी कोई ऑक्सीजन देने का प्रावधान बना जाए उसके लिए छोटे सिलेंडर या कुछ इस तरह का मामला हो इस टाइम बाजार में है नहीं ना जी सारी चीज़ तो गायब हो गई हमारे को तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है जी तो इसके लिए प्रशासन से क्या कहना चाहोगे अब सरकार और प्रशासन तक ये अपील करोगे अब प्रशासन तो या तो कोई अपने प्लांटों की कोई लिमिट बढ़ाए जिसके अंदर को ऑक्सीजन लोगों को भी मिल जाए अस्पतालों को भी मिल जाए या व्यवस्था को दवाइयों की कोई जमाखोरी की कुछ भी अभी प्रशासन मेरे ख्याल से अपना काम तो कर रहा है लेकिन वो लाए तो सही अभी तक हमारे को उसके पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं मिल पा रहे ना जी तो ये है भाई बड़ी बड़ी बात है यानी कि ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो कारण से कुछ भी रहे हों लेकिन कुल मिलाकर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारामारी चल रही है भागदौड़ चल रही है और इस भागदौड़ का नुकसान किसने होगा वो तो हमें भी बेरा है तो कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में ज़रूर लिख दियो कि ऑक्सीजन का जो ये क्राइसिस है इसके लिए जिम्मेदार कौन है किसने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसने इसका समाधान करना पड़ेगा मर्यादित भाषा में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दियो क्योंकि हर जान कीमती है और उसको बचाने के लिए डॉक्टर की जो दौड़ धूप चल रही है उसके गले गले और किस किस ने दौड़ धूप करनी पड़ेगी ज़रूर लिख दियो भाई मर्यादित भाषा में कमेंट बॉक्स में तो वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर तो शेयर मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू जय जवान जय किसान जय हरियाणा जय भारत।